श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि नोबेल पुरस्कार क्या है, किस भारतीय को कब और क्यों मिला है। स्वीडन के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड बी नोबेल। उन्होंने मरते वक्त अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक फंड में डाला जाए और उसके ब्याज को हर साल मानव जाति की सेवा करने वाले लोगों को पुरस्कार के रूप में दिया जाए। तभी से उनके मृत्यु के पश्चात प्रतिवर्ष भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्रों में अद्वितीय काम करने वाले को पुरस्कृत किया जाता रहा है। उन्होंने ऐसा करने का कोई स्पष्ट कारण तो नहीं बताया, लेकिन माना जाता है कि उन्हें अंदर ही अंदर इस बात का अफसोस था कि उनके आविष्कारों को युद्ध में प्रयोग किया जाता है जिससे हजारों लोग की मौत होती है। नोबेल प्राइज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है और निश्चित ही इन्हें पाने वाले पूरे विश्व द्वारा सम्मानित होते हैं और लाखों करोड़ों लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। और आज हम आपको ऐसे ही भारतीयों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों से यह पुरस्कार जीता और पूरे देश को गौरवान्वित किया है। तो पहले जो भारतीय थे उनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, उनका नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर। उनको मिला था 1913 में साहित्य के लिए। क्यों मिला? उन्हें गीतांजलि की रचना की थी तो साहित्यिक था। उसके बाद मिला था डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को, ये मिला था 1930 में भौतिकी विज्ञान, भौतिकी के लिए। प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज पर उन्हें मिला था ये। उसके बाद मदर टेरेसा को 1979 में मिला, 1979 शांति के लिए मिला था। उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था दीन दुखियों की सेवा करने के लिए। फिर मिला था डॉक्टर अमर्त्य सेन को 1998 में, 1998 अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का कल्याणकारी पहलू उजागर करने पर उन्हें मिला था। और 2014 में मिला था कैलाश सत्यार्थी, वो भी शांति के लिए मिला था, बाल श्रमिकों को बचाने के लिए उन्हें मिला था। तो ये हमारे 5 नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।